और दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का मानवीय चेहरा सामने आया है। जी हां, घायल बाइक सवार को तत्काल उन्होंने अस्पताल पहुंचाया। कार की टक्कर से बाइक सवार घायल हुआ था, तो गृह मंत्री ने युवक के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जब कहीं जा रहे थे उसी वक्त घायल उनको दिखाई दिया, और उनका ये मानवीय चेहरा क्योंकि उन्होंने वहां रुककर उस घायल की मदद की, उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद की, और साथ ही साथ निर्देश भी दिए कि इसका बेहतर इलाज किया जाए। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक अच्छा उदाहरण दिया है। बड़े बड़े नेता कहीं भी जा रहे होते हैं तो वो हो सकता है कि उनको व्यस्त रहते हैं और वो रुकते नहीं, ऐसे में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रुके, उन्होंने घायल की मदद की। और हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं। दीपक, ये एक मानवीय चेहरा वाकई में किसी नेता का हमने देखा है, क्योंकि अक्सर नेता काफी व्यस्त होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं, और ऐसी स्थिति में इस तरह की कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, और वो अगर सामने आ जाए और घायलों की मदद कर ले तो एक बड़ा उदाहरण सामने आता है। हाँ, बता दूं कि यह जब से बीजेपी सरकार में बात करें नेताओं की, तो लगातार जब इस तरह की घटना होती है और नेता जब सड़कों से गुजरते हैं तो जरूर वो किसी भी घायल की मदद करते हैं। इससे पहले भी कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के ही वीआईपी रोड पर एक की मदद की थी, जब कार पलटी थी और अपने ही कारकेट की एक गाड़ी से उसे अस्पताल भेजा था। एक ऐसा ही चेहरा अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आज सामने आया, जब वो अपने ही क्षेत्र में घूम रहे थे उस दौरान उन्होंने देखा कि एक बाइक सवार टक्कर से घायल हो गया, जिसके बाद वो तुरंत वहां पर उतरे और फिर उसे घायल अवस्था में ही उपचार के लिए उन्होंने अपने ही वाहन से फिर अस्पताल भेजा। एक बहुत ही मानवीय चेहरा प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सामने आया है, क्योंकि जनता से लगातार जुड़े रहना उनका लगातार काम है और वो उसको बखूबी भी निभाते हुए नजर आते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए आपका।